योगा का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए हैं, जिसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन हमारे फेसबुक पेज से और यूट्यूब चैनल से एक साथ हो रहा है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के योगा का, क्योंकि हमारे बच्चे पिछले एक सप्ताह से लगातार योगा करते ही आ रहे हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं, जो कि उम्मीद बिल्कुल नहीं था कि हमारे बच्चे ऐसा कर पाएंगे। लेकिन पहले ही दिन के बाद से, दूसरे दिन से, रविवार को शुरू हुआ, सोमवार से ही बच्चे उसको अच्छे से करना शुरू कर गए, और आप लोगों को भी देखने को मौका मिलेगा लाइव के द्वारा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपने जो ज्वाइंट्स हैं उनको खोलने का प्रयास। तो कमर बिल्कुल सीधा रहेगा, दोनों हाथ आगे, पंजे को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलना है, बंद करना, खोलना, बंद करना, खोलना, बंद करना। कलाई से हाथ को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। कोहनी से हाथ को मोड़ के कंधे पर ले आएंगे, फिर पूरा खोलेंगे, मोड़ेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे, मोड़ेंगे, कंधे पे हाथों को लगाएंगे चारों तरफ, घड़ी के चलने की सुई की दिशा में, फिर विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा प्रयास, जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, कुछ नए उम्मीदवार भी आए हैं जो उसको भी कर रहे हैं। उल्टा, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा। रेस्ट, दोनों हाथों को रगड़ कर आंखों के ऊपर लगा लेंगे, हल्के से आंखों को वहीं पर खोलेंगे, यह क्रिया एक बार और। अभी हमने अपने हाथों के जो भी ज्वाइंट्स थे, उंगलियों के, कलाई के, कोहनी के और कंधे के, इन ज्वाइंट्स को बिल्कुल खोल लिया है। रात भर सोने के बाद ये ज्वाइंट्स बिल्कुल जकड़ गए थे, अब इनको हमने खोल लिया। अब गर्दन का, यानी कि नेक मूवमेंट, गर्दन को दाएं तरफ, कमर बिल्कुल सीधा रहेगा। प्रयास ये करेंगे कि आंखें बंद रहें, जो अभी नए हैं या जिनको अभी सीखना है वो आंखों को खोल के कर सकते हैं। नेक मूवमेंट, दाएं तरफ देखेंगे, फिर बाएं तरफ, दाएं बाएं, दाएं बाएं, पूरा दाएं देखेंगे, पूरा बिल्कुल आराम से, जितना आराम से ले जा सकते हैं उतना आराम से ले जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास, पूरा दाएं, पूरा बाएं, हल्के से गर्दन को बीच में लाएंगे। अब ऊपर नीचे, पूरा ऊपर आकाश को देखेंगे, नीचे धरती को देखेंगे। अपनी व्यस्त भरी जिंदगी से हम लोग ना आकाश को देख पा रहे हैं ना धरती को, मतलब हमें कितनी ऊंचाइयों पे जाना है और कहाँ पे रहते हैं उनका अनुभव हमें नहीं हो पा रहा, तो आज उसको अनुभव करें। पूरा ऊपर देखेंगे, उस स्थिति, उस आकाश में जाना है, उस स्थिति से शुरुआत करना है, बिल्कुल ऊपर। बहुत अच्छा अभ्यास, बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को चारों तरफ घुमाएंगे रोटेशन में, ध्यान रहे कमर बिल्कुल सीधा, हाथ बिल्कुल सीधा, उल्टी दिशा में गर्दन जी दिशा में घूम रही थी, अब उसके उल्टी दिशा में घुमाएंगे। कमर बिल्कुल सीधा रहेगा, दोनों हाथों को रगड़कर आंखों के ऊपर लगाएंगे, आंखों को हल्के से वहीं पर खोलेंगे, यही प्रयास एक बार और। कमर बिल्कुल सीधा, हाथ बिल्कुल सीधा, Thank you.
अरे खोई मुआ तुम्हारे फौज में पैर बीच में हमरा को दई जवा दुपरा सान अभी हम लोग अब गर्दन का कर चुके हैं, कंधे का कर चुके हैं और पैर को आगे ले जाएंगे। दोनों पैरों को फैला लीजिए। पैर को दाएं तरफ पूरा बाएं तरफ पूरा दाएं पूरा बाएं। पैरों को आगे ले जाएंगे, पीछे ले आएंगे, आगे पीछे, पैर आगे, पंजा बिल्कुल आगे आएगा, बिल्कुल आगे, फिर पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा पीछे। पंजे को चारों तरफ घुमाना है रोटेशन में, चक्रण, पूरा चारों तरफ घुमाइए, बहुत अच्छा। उल्टा घुमाएंगे, जिस दिशा में भी घुमा रहे थे उसके विपरीत दिशा में घुमाएंगे। रेस, दोनों हाथों को रगड़कर आंखों के ऊपर लगाएंगे, आंखों को हल्के से वहीं पे खोल लेंगे। एक बार और हाथ को अपने कमर के बगल में पीछे लगाएं, दाएं पैर को मोड़कर अपने नासिका से लगाएंगे, नाक से दाएं पैर को मोड़ेंगे। हाथ लगा ले चाहे तो, नासिका से लगाना है। दाया पैर मोड़ेंगे फिर खोल देंगे, दाया फिर बायां। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसा ही सहयोग बनाए रहिए, दायां फिर बायां। अब दोनों पैर एक साथ, बहुत अच्छे, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर को जोड़ेंगे, नाक से स्पर्श कराएंगे, बहुत अच्छे। अभी रेस्ट, दोनों हाथों को रगड़कर आंखों के ऊपर लगाएंगे, आंखों को हल्के से वहीं पर खोलेंगे। अभी हम लोग अपने शरीर के जो भी ज्वाइंट्स हैं उनको खोलने का अभ्यास कर चुके हैं। अब हमारा अगला अभ्यास है ताड़ासन के लिए। ताड़ासन के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाथों को हल्के से उठाएंगे, उठाते हुए बिल्कुल ऊपर दोनों हाथों को जुड़ाएंगे प्रणाम आसन की मुद्रा में। अपने आप को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचें, पूरा खींचें। रेस्ट, बगल से नीचे आएगा, फिर से स्टार्ट, बिल्कुल आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल ऊपर, बगल से नीचे आएगा दोनों हाथ। दोनों पैर के बीच में 2 फीट का फासला या जितना आसानी से हो सकता है। दोनों पैरों को फैलाएंगे, दाएं हाथ से दाएं पैर को छुएंगे और बाएं हाथ ऊपर जाएगा, बाएं हाथ के टिप को देखने का प्रयास। अब बाएं हाथ बाएं पैर को छुएगा, दाएं हाथ को ऊपर से देखेंगे, बिल्कुल उसके टिप को देखना है। रेस, बीच में आ जाएं, बाईं तरफ झुकें, बीच में आ जाएं। रेस, एक बार जंपिंग का अभ्यास पूरा, एक नंबर पे ध्यान देंगे, कैसे बोला जा रहा है, दो, एक,
हाथों को ऊपर उठाना है, आगे की तरफ झुकेंगे। जब भी आगे की तरफ झुकने वाला अभ्यास करेंगे उसके थोड़ी देर बाद पीछे झुकने वाला अभ्यास करना आवश्यक होता है। तो अभी अप डाउन, आगे से हाथों को पैरों के पास ले जाएंगे, पैरों की उंगलियों को स्पर्श करेंगे, नाक घुटने को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। जिनका स्पर्श कर ले रहा है अच्छी बात, जिनका नहीं हो रहा है वो प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा, अप पूरा ऊपर पीछे की तरफ ले जाएंगे, पाद हस्तासन। अभी आप अब आगे की तरफ रेस्ट में हो जाएं, अब हाथों को ऊपर उठाएंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, अब जाओ रेस्ट में हो जाएं। शरीर को मरोड़ना है, पूरा ट्विस्ट करना है, बॉडी ट्विस्टिंग जिसको बोलते हैं, पूरा अपने आप को हाथ को ऐसे कर लें, पंजा बिल्कुल फिक्स रहेगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। आगे कमर के ऊपर का भाग पूरा पीछे की तरफ जाएगा, पीछे से जितना देख सकते हैं देखेंगे, पूरा पीछे एक बार दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, पूरा दाएं पूरा बाएं। बहुत अच्छा अभ्यास, पूरा पीछे ले जाइए अपने आप को मरोड़ के, बहुत अच्छा, ज़्यादा तनाव नहीं देंगे शरीर पर, रेस्ट में हो जाइए। एक बार यही अभ्यास पुनः मुद्रा में हो जाए, अपने शरीर को पीछे मरोड़े, उल्टी दिशा में विपरीत दिशा से करें। बहुत अच्छा वृक्षासन का अभ्यास, वृक्षासन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। किसी पैर को शुरुआत आप दाहिने पैर से करें या जैसे भी कर सकते हैं, दाएं पैर से करें, दाएं पैर को उठा के बाएं पैर के जंघे पर लगाएंगे, हाथों को बगल से प्रणाम आसन की मुद्रा में लाते हुए बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाएंगे। बहुत अच्छे, हाथों को बगल से लेते हुए रेस्ट में आएंगे, पैरों को नीचे कर लेंगे, अब दूसरे पैर को उठाएंगे, जंघों के बीच में लगाएंगे, वही क्रिया पुनः प्रणाम आसन में, हाथ ऊपर, बगल से हाथों को नीचे करेंगे, रेस्ट में हो जाएंगे। भगवान सूर्य का उदय हो चुका है, बहुत अच्छी लालिमा पूरब की तरफ दिखाई दे रही है, एक बार प्रणाम की मुद्रा में उन्हें प्रणाम करेंगे। अगर साक्षात भगवान का दर्शन करना हो तो इस समय हमारे सामने साक्षात भगवान विद्यमान है, जो कि हमें नित नवीन दर्शन देते रहते हैं और हम लोग अबोध बालक उन्हें पहचान नहीं पा रहे। तो हमारे भगवान का उदय हो चुका है, आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो चुका है। आगे अगला प्रयास जो हमारा है सूर्य नमस्कार के लिए, अपने आप को तैयार कर लेंगे। सूर्य नमस्कार में कुल 12 चरण होते हैं, 12 चरण 12 तरीके से, संख्या के साथ शुरुआत करेंगे। एक कौन सा आसन है, दो हस्तोत्तानासन, तीन पाद हस्तासन। बहुत अच्छा अभ्यास, इसको शानदार बोला जाता है, शानदार प्रस्तुति। चार अश्व संचालन, गर्दन पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे, अपने आप से पूरा पीछे की तरफ देखेंगे, बहुत अच्छे, बिल्कुल देखिए आगे सर, आगे करो भाई, बहुत अच्छे। पांच
पर्वत आसन, छह अष्टांग नमस्कार, सात केवल मस्तक जमीन से छुएगा, सात भुजंग आसन, आठ पर्वत आसन, नौ अश्व संचालन आसन, दस पाद हस्त आसन, ग्यारह हस्तोत्तान, पूरा हाथ पीछे की तरफ जाएगा, अपने आप को पूरा पीछे की तरफ, दस बारह प्रणाम। बहुत खूब, पुनः एक क्रिया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, सूर्य नमस्कार शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। नित्य प्रति करने से शरीर मजबूत होगा, व्याधियों से दूर रहेगा। पुनः प्रक्रिया दोहराएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। गत्यात्मक सूर्य नमस्कार बॉडी वेट को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद। जिनको अपने शरीर का वजन कम करना है वो गत्यात्मक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्रयास करेंगे। जो बच्चे कर पाएंगे वही करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, लास्ट राउंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, अपने स्थान पर लेट जाएंगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद शवासन की क्रिया करना बहुत ही आवश्यक होता है। सूर्य नमस्कार में शरीर पूरा का पूरा हीट हो जाता है। शवासन की क्रिया करेंगे, नीचे से तकिया हटा दें, शवासन की क्रिया करेंगे, शरीर अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। शवासन क्रिया नाम से ही स्पष्ट है, आपको अपने शरीर को बिल्कुल सौ की बात बर्ताव कराना है। आंखें बंद रहेंगी, शरीर से कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ऐसा प्रतीत होगा कि शरीर में कोई जान नहीं है, शरीर निष्प्राण धरा पर रहेगा। अब आप आस पास में जो ध्वनि हो रही है, चिड़ियां जो चहचहा रही हैं, उनको सुनने का अभ्यास, अपने श्वास पर श्वास कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, श्वास अंदर आएगी पेट खुलेगा, श्वास बाहर जाएगी। बहुत अच्छा अभ्यास। इस अंग का नाम लिया जाएगा,
उस अंग को ढीला करेंगे, बिल्कुल ढीला शिथिल, ऐसा प्रतीत हो कि उसमें कोई जान नहीं। दाएं पैर का अंगूठा, चारों उंगलियां, एड़ी, घुटना, दाएं पैर का जंघा, पूरा दायां पैर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। दाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, दाएं हाथ का पंजा, कलाई, कोनी, कंधा बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला। इस समय आपका दायां अंग बिल्कुल ढीला है। बाएं तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे, बायां हाथ, बायां पैर का अंगूठा, चारों उंगलियां, एड़ी, घुटना, जंघा, पूरा बायां पैर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। बाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, पंजा, कलाई, कोनी, कंधा, पूरा बायां हाथ बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला शिथिल। बहुत अच्छा अभ्यास। बायां पैर, बायां हाथ और बायां दायां बायां पैर और हाथ बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है। कमर को भी बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कंधा भी ढीला, गर्दन भी ढीला, नाक, कान, आँख, मुंह, सर बिल्कुल ढीला रहेगा, बिल्कुल ढीला। जब आपको नींद की शिकायत हो तो आप शवासन की क्रिया करके नींद का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल ढीला, शरीर निष्प्राण पड़ा हुआ है। पैरों की और हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों को रगड़कर आंखों के ऊपर लगाएंगे, आंखों को वही खोलेंगे एक बार, एक दिया पुनः। दाएं करवट लेट जाएंगे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। जो पैर ऊपर है उस पैर को और उस हाथ को एक साथ ऊपर उठाएंगे, हाथों से पैरों की उंगलियों को स्पर्श करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, दूसरे करवट ले जाएंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, पीठ के बल लेट जाएंगे। इसको बंद करो।